सारा पंजाब घूमने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि लोग पंजाब के चाहते हैं कि एक स्थाई वायबल राजसी बदल अकाली दल और कांग्रेस को पंजाब में दिया जाए। उस संदर्भ में 15 अगस्त को मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं तमाम ऐसे लाइक माइंडेड लोगों से विचार और बात करके उनको एक मंच पे लाने का उपराला करूं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे इस उपराले को कोई 100% सफलता मिलेगी, लेकिन मुद्दों पे किसी के पास भी जाकर मैं उनसे विनती करूंगा विनम्रता से कि वो आए और पंजाब की अगुवाई करें। वो आगे लगे, मैं उनके पीछे चलने को तैयार। कौन कौन से वो लीडर होंगे जिनके आप पास जाके उनको विनती करोगे? अब देखिए, मैं कह चुका हूं कि लाखों की तादाद में पंजाब की दोनों बड़ी राजसी पार्टियों तीनों में चारों में नई आउटफिट में सभी में अच्छे लोग मौजूद हैं और वो ये सारे चाहते हैं कि हम बिखरे ना, हमारा वोट एक भी जाया ना हो। और ये मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कहना चाहता हूं कि अगर मुझे लगेगा कि हम वोट वितरण से किसी ऐसी शक्ति को लाभ हो रहा है जो पंजाब के हितों के खिलाफ है, तो इसके बारे में भी मौके पर विचार एग्जेक्टिव में हो सकता है। नहीं, चौथा आप क्यों कह रहे हैं? चौथा नहीं, ना वायबल ऑल्टरनेटिव राजसी टुकमा, हम चौथे नहीं बनना चाहते। हाँ, हम तो राजसी टुकमा बदल है जेड़ा, जो बदल प्रोवाइड करने का मतलब होता है कि अल्टरनेटिव सीधा उन दोनों को, इनसे आगे जो और शक्तियां हैं जो दूसरे तीसरे चौथे की बदल करती हैं, मैं अल्टरनेटिव की बात कर रहा हूँ, सीधा अल्टरनेटिव डायरेक्ट। क्या ये राजनीतिक पार्टी का रुख दे सकता है? डेफिनेटली, इसमें मैं इससे इनकार नहीं करूंगा कि राजसी पार्टी बन सकती है अगर 15 अगस्त को लाइक माइंडेड चेहरे इस बात के लिए इकट्ठे होके सारे पंजाब को मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़े। तो पंजाबियत महागठबंधन को ही राजसी पार्टी की शेप आने वाले वक्त में दी जा सकती है। बात मुद्दों की है, मैक्सिमम कॉमन प्रोग्राम की है। अगर 15 मुद्दे जो हम 15 अगस्त को देंगे, अगर उन 15 के 15 मुद्दों के ऊपर कोई भी राजसी पार्टी अपनी सहमति व्यक्त करेगी अकाली दल और कांग्रेस के बिना, तो मैं किसी से बात करने से इनकार नहीं करूंगा, मैं डायलॉग करूंगा। मैं उन सबसे अपने आप को छोटा मानता हूं, सबसे कम लोकप्रिय मानता हूं, इसलिए मुझे किसी के पास जाने की, बसपा हो, लेफ्ट पार्टीज हो, मुद्दों पे सहमति आम विचार बन सकता।